यहाँ पे हैं तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ पे अभी इतने बड़े पुलिस वरिष्ठ अधिकारी सब हैं, वो सब आप ही के लिए हैं। हम लोग को देख, हमारा बच्चा अभी गया, अभी वो वापस तो नहीं आ सकता है, पर जिस कारण से गया ना उसको सजा मिलना चाहिए। जैन दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर के भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारी भीड़ जमा है। यहाँ पे हमारे साथ हैं मनसे नेता हरेश सुतार जी। सर, ये क्या मामला था, कुछ आप अगर इस पे बता पाएंगे तो? ये आप पीछे जो भीड़ देख रहे हो, ये भक्ति वेदांत मतलब मीरा भाईंदर का सबसे भ्रष्ट हॉस्पिटल, चाहे वो कोरोना का समय हो चाहे आम दिन हो, पेशेंट से ज़्यादा पैसे लेने और बहुत मृत्यु होने का आंकड़ा भक्ति वेदांत का है। हर्ष माछी करके 5 साल का लड़का जो 5 दिन पहले यहाँ पर एडमिट होने आया था, उनके पेट में दर्द था, डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन दिए, उन्हें वापस भेजा 1 घंटे में, एडमिट नहीं किया। घर पे जाते जाते उनको उल्टी हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई, तो वापस से ऑटो घुमा के यहाँ लाया। उसके 3 दिन बाद उनके जांच में ऐसा आया कि उसको सांप ने काटा होगा, और बहुत एक गंभीर आरोप करते हैं हम, जो डेथ समरी का रिपोर्ट दिया है डॉक्टर ने, डॉक्टर अजय संके ने, उसमें ऐसा डिग्री लिखा हुआ है कि डॉक्टर स्नेक स्पेशलिस्ट के निगरानी में हम जाँच कर रहे थे। सर, अखी इंडिया में कोई डॉक्टर स्नेक स्पेशलिस्ट कोई होता ही नहीं है। तो हमारा आरोप है कि बच्चे की जो जान गई है वो ये डॉक्टर के निग्लिजेंस के वजह से, और आईपीसी 304 के तहत हम उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कराने वाले हैं। तो ये हैं मनसे नेता जिन्होंने यहाँ पे आकर के मध्यस्थता भी की और परिजनों को समझाया भी। एक 5 साल का बच्चा अगर किसी नेग्लिजेंसी की वजह से अगर उसका डेथ हो जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर बात है। जैसा कि आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मीरा भाईंदर के करीब करीब पुलिस स्टेशन के सीनियर PI और भारी मात्रा में पुलिस आए हुए हैं। बहुत भीड़ में बहुत आक्रोश है, सबका कहना है कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी की वजह से बच्चे की मौत हुई है। और अब जो है इस बात का खुलासा सबके 5 साल के बच्चे के सबके पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। और जहां तक यहां पे पुलिस प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है उस बच्चे के परिजन को कि अगर कोई नेग्लिजेंसी हुई है तो उस पे संबंधित धाराओं के तहत डॉक्टर पे मुकदमा दर्ज होगा। और जैसा मनसे नेता ने ये कहा कि यहाँ जो भक्ति वेदनता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इस तरह की नेग्लिजेंसी होती रहती है, लेकिन आज अभी हम ये कह नहीं सकते कि ये डॉक्टर की नेग्लिजेंसी है या हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर ये नेग्लिजेंसी किसकी है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक 5 साल के बच्चे की दुखद मौत हो गई है। तो दोस्तों, ये एक दुखद घटना थी। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। पहली बात तो जब उनको यहाँ पे एडमिट किया था तब उनको पेट दुखी के लिए किया था, उसके बाद में उनको इंजेक्शन दिए गए, वो कौन से दिए, क्या दिए, वो सब प्रोसेस होता है जानने के लिए। उसके बाद में आप घर लेके गए, घर में लेते जैसे समय आपको ऑटो में थोड़ा सा तकलीफ हुआ, बच्चे को सांस लेने में थोड़ा सा अलग हुआ, तब आप वापस से घर पे जाने के बाद यहाँ लेके आए, ठीक है। उसके बाद 2 दिन में ये हॉस्पिटल को मालूम पड़ा कि उसको सांप काटा है। आपको भी मालूम था क्या? आप हमको भी अभी तक मालूम नहीं है कि सांप ही काटा है। अभी सांप काटा है तो उसका जहर बॉडी में है, क्या है, तो उसका एक प्रोसेस होता है पोस्टमार्टम करके। तो इसके लिए अभी उनका जवाब दिया है, उसके ऊपर अभी पूरा जो प्रोसेस है ये पुलिस स्टेशन से होता है। अंदर बॉडी में क्या दवाई दी है, उसको सांप काटा या डॉक्टर ने गलत दवाई दी या गलत इंजेक्शन दिया, उसकी जांच पोस्टमार्टम के बाद होती है। तो ये प्रोसेस अभी काशीमेरा पुलिस स्टेशन से होने वाली है। हमें अभी क्या करना है, थोड़ा शांति रखना है। ये प्रोसेस पेपर प्रोसेस होगा, उसके बाद में पोस्टमार्टम होगा, ये जो लीगल प्रोसेस है। मुझे बुलाया गया, सचिन पोपलेशन को बुलाया गया, ये मनसे के अतुल है जो आपके यहाँ पे रहते हैं। हम लोग सुबह 10 बजे से आपके लिए यहाँ पे हैं, तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ पे भी इतने बड़े पुलिस वरिष्ठ अधिकारी सब हैं, वो सब आप ही के लिए हैं। हम लोग को देख, हमारा बच्चा अभी गया,
अभी वो वापस तो नहीं आ सकता है, पर जिस कारण से गया ना उसको सजा मिलना चाहिए। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, हम कानून हाथ में नहीं ले सकते, हम इधर धंधा नहीं कर सकते, सब गलत बात है। हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे पेशेंट हैं, उनके भी हमारे वजह से तकलीफ हो रही है। हमें जो निर्देशन करना था वो हम कर चुके हैं, हमें जो गुस्सा था वो व्यक्त कर चुके हैं, बराबर। तो इसके बाद की जो प्रोसेस है वो काशीघाट पुलिस स्टेशन से होगी, बाद में हम उसे पोस्टमार्टम के। आप लोगों को पूरा न्याय मिलेगा, पूरा न्याय मिलेगा। जब तक पोस्टमार्टम होगा नहीं तब तक आप लोगों को पता नहीं मिलेगा किससे हुआ है। नहीं सुनिए, अभी पूरी तरह जाएंगे आप Yeah,
Thank you.